माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आज मैं बात करने वाली हूँ महिंद्रा स्कॉर्पियो के टॉप एंड वेरिएंट की एक न्यू फीचर के बारे में। तो फ्रेंड्स जो महिंद्रा स्कॉर्पियो का टॉप एंड वेरिएंट है उसके अंदर अब हमें एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स जो अप्रैल में लॉन्च हुई थी महिंद्रा स्कॉर्पियो वो हमें बेसिक कंप्लीट में देखने को मिलती है, और फ्रेंड्स इंडिया के अंदर वो हमें 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल देखने को मिलती है, S5 वेरिएंट, S7 वेरिएंट, S9 वेरिएंट एंड S11 वेरिएंट। तो फ्रेंड्स जो S9 एंड S11 वेरिएंट है उसके अंदर हमें इन्फोरमेंट सिस्टम है उसके अंदर हमें एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स ये जो एडिशनल न्यू फीचर है उसके अंदर हमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स जो ये एडिशनल न्यू फीचर है उसका हमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट देखने को नहीं मिलने वाला है, मतलब कि फ्रेंड्स जो कंज्यूमर्स है वो उसको विथाउट एनी एडिशनल प्राइस परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अलावा इसके अंदर हमें कोई ज़्यादा कॉस्मेटिक अपडेट्स एंड चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो फ्रेंड अब मैं बात करने वाली हूँ इसके इंजन के बारे में। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हमें 2.2 लीटर एम हॉक 4 सिलेंडर डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो कि हमें 140 bhp के पावर आउटपुट के साथ एंड 320 nm के टॉर्क के साथ देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये इंजन हमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड इसी तरह से हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव एंड ऑटोमोटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आए। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।